दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग का इंटरेस्ट जो है वो पिछले एक या दो साल में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है, और ऐसे में जो लोग नया स्मार्टफोन अब खरीदना चाहते हैं वो चाहते हैं अपने लिए एक ऐसा फ़ोन खरीदना जिसमें वो गेम खेल पाएं बिना किसी लैगिंग या फिर किसी प्रॉब्लम के। वो चाहते हैं एक ऐसा फ़ोन खरीदना जिसमें पबजी, फोर्टनाइट और फ्री फायर जैसे गेम बेस्ट तरीके से चल पाए। तो ये कन्फ्यूज़न आपका आज हम दूर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट गेमिंग फ़ोन्स के बारे में जिनकी प्राइसिंग आपको मिल जाती है 20,000 से कम में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक की, तो वहाँ पे आता है पोको का X3। पोको X3 एंड्रॉइड 10 बेस्ड MIUI 12 पे रन करता है। ये डिवाइस 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले के साथ आती है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला 5 से प्रोटेक्टेड है। वहीं पोको X3 ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732 GB चिप प्रोसेसर पे काम करता है, और इस डिवाइस के अंदर आपको 8 GB तक रैम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाते हैं रियर में पोको X3 में, जिसका 64 MP का प्राइमरी सेंसर है, 13 MP का सेकेंडरी सेंसर है, और दो अदर सेंसर हैं 22 MP के। वहीं सेल्फी कैमरा 20 MP का देखने को मिल जाता है पंच होल कटआउट में। बात करते हैं यहाँ पे हम इंटरनल मेमोरी की, तो 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है जिसे आप इंक्रीज कर सकते हैं 256 GB तक माइक्रो SD कार्ड से। अगर हम बैटरी की बात करते हैं इस डिवाइस की, तो 6000 mAh की पावरफुल बैटरी है 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इस डिवाइस के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है साइड में फ़ोन के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग को लेकर, तो इसका जो 6 GB रैम 64 GB वाला इंटरनल स्टोरेज की प्राइस है वो है 16,999 रुपये। वहीं 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज की जो प्राइस है वो है 18,499 रुपये, और 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज की जो कीमत है वो है 19,999 रुपये। इसे आप दो कलर ऑप्शंस में खरीद सकते हैं, एक है कैबल्ड ब्लू और दूसरा है ग्रे कलर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फोन की, तो वो आ जाता है रियलमी का 7 Pro। रियलमी 7 Pro 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, और इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि रन करता है रियलमी UI बेस्ड एंड्रॉयड 10 पे। और इस डिवाइस के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें 64 MP का प्राइमरी सेंसर है सोनी का IMX682। वहीं 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 MP का पोर्ट्रेट लेंस है, 2 MP का मैक्रो लेंस है, और सेल्फी के लिए ये डिवाइस जो है वो 32 MP का सेल्फी कैमरा सपोर्ट करती है। इस डिवाइस के अंदर आपको 6 GB रैम 128 GB जो स्टोरेज की बैंड की कीमत है वो है 19,999 रुपये, और 8 GB रैम 128 GB वाले मॉडल की कीमत 21,999 रुपये। अगले फ़ोन की बात करें, तो बोला जाता है पोको की तरफ से पोको का X2। पोको X2 4 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था, और ये डिवाइस जो है वो 6.67 इंच की IPS LCD टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आती है। साथ ही पोको X2 जो है वो क्वाड रियर कैमरा सेटअप सपोर्ट करता है जिसमें 64 MP का फर्स्ट, 8 MP का सेकेंड, 2 MP का थर्ड और फोर्थ कैमरा है। वहीं पोको X2 जो है वो डुअल सेल्फी कैमरा सपोर्ट करता है जिसमें 20 MP का फर्स्ट और 2 MP का सेकेंड कैमरा दिया गया है। पोको X2 अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं, तो पोको X2 के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट का यूज किया गया है, और ये डिवाइस 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है। पोको X2 जो है वो इंडिया में 15,999 रुपये में आपको मिल जाता है। अगर हम नेक्स्ट फोन की बात करते हैं, तो बोला जाता है Xiaomi की तरफ से Xiaomi का Redmi Note 9 Pro Max। Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max जो है वो 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले के साथ आता है, और ये डिवाइस 4 रियर कैमरा सपोर्ट करती है जिसमें इंक्लूडिंग है फर्स्ट कैमरा 64 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, थर्ड कैमरा 5 MP का मैक्रो लेंस और फोर्थ कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर। वहीं Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max जो है वो 32 MP का फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है, और इस डिवाइस के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर दिया गया है, और ये फ़ोन जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला 5 के प्रोडक्शन के साथ आता है। और Redmi Note 9 Pro Max के अंदर आपको 5020 mAh की बैटरी मिलती है 33 वाट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ। वहीं यहाँ पे आपको 4 GB रैम और 64 GB वाला स्टोरेज वेरियंट, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज वेरियंट, और 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज, ये तीनों ही वेरियंट आपको 20,000 रुपये से कम की रेंज में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट फोन की बात करते हैं, तो पूछा जाता है रियलमी की तरफ से रियलमी का 6 Pro। रियलमी 6 Pro 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले के साथ आता है, और इस डिवाइस के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर दिया गया है। इस डिवाइस के अंदर आपको 6 GB का रैम देखने को मिलता है। ये डिवाइस 5 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ था। रियलमी 6 प्रो की स्टार्टिंग प्राइस इंडिया के अंदर 16,999 रुपये। और इसके अगर कैमरे की बात करते हैं, तो रियलमी 6 प्रो जो है वो क्वाड रियर कैमरा सेटअप सपोर्ट करता है जहाँ पे आपको 64 MP का फर्स्ट कैमरा, 8 MP का सेकंड कैमरा, 12 MP का थर्ड कैमरा और 2 MP का चौथा कैमरा दिया गया है रियर में। फ्रंट कैमरा की बात करें, तो यहाँ पे आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है।
बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पे कलर्स को लेकर तो ये जो है वो दो कलर ऑप्शन में मिल जाता है आपको, लाइटिंग ब्लू और लाइटिंग ऑरेंज कलर। दोस्तों ये है वो 5 स्मार्टफोन जो आप ले सकते हैं 20,000 रुपये से कम की रेंज में, जहाँ पे आपको बेस्ट गेमिंग का एक्सपीरियंस इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा बिना किसी लैगिंग के। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।